हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर एनटीटी पीआरटी पोस्ट के लिए कुछ वैकेंसीज़ देखने को मिल रही है एयरफोर्स स्कूल की तरफ से तो डिस्कस करेंगे इन वैकेंसीज़ को तो यहाँ पे पोस्ट देख लेते हैं पहले जिन जिन पोस्ट के लिए वैकेंसीज़ हैं तो पहली पोस्ट है एन टी के लिए अकेडमिक स्टाफ एक वैकेंसी है और एलिजिबिलिटी सीनियर सेकेंडरी आपने की हो विद नर्सरी टीचर ट्रेनिंग डिप्लोमा या फिर डिप्लोमा इन नर्सरी मोंटासरी प्री प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग और डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन गवर्नमेंट रिकोगग्नाइज इंस्टीट्यूट से तो आप इसके लिए एन के लिए अप्लाई कर सकते हैं एज लिमिट है इक्कीस से पचास साल एक जुलाई दो तक और यहाँ पे कुछ डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन भी है कि आपको बेसिक कंप्यूटर आता हो इंग्लिश हिंदी में पढ़ना लिखना और बातचीत करना आता हो और साथ में आपके पास आर्ट एंड क्राफ्ट पपेट मेकिंग डांस ये सब एक्टिविटीज़ भी आप कर पाएँ अगली पोस्ट है पी रेगुलर के लिए एकेडमिक स्टाफ छः वैकेंसीज़ यहाँ पर हैं एंड पे स्केल बहुत अच्छा है तो बिल्कुल आवेदन करें और यहाँ पे इन्होंने जो एलिजिबिलिटी मांगी है क्वालिफिकेशन दैट इज़ बैचलर्स डिग्री आपके पास हो किसी भी गवर्नमेंट रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से यू जी सी के द्वारा और उसमें कम से कम पचास प्रतिशत आपके मार्क्स हों अब आगे बीएड की डिग्री भी पीआरटी के लिए आपके पास होनी ज़रूरी है वो भी गवर्नमेंट रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट से साथ में सी टेट और एस टेट अगर आपका क्वालिफाइड है ये डिज़ायरेबल में है मैंडेटरी में नहीं है अगर क्लियर नहीं भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं अगली वैकेंसी पीआरटी कॉन्ट्रैक्चुअल के लिए तीन वैकेंसीज़ हैं इक्कीस हज़ार पाँच सौ आपकी सैलरी फिक्स्ड रहेगी एंड आप के भी सेम क्वालिफ़िकेशन जो रेगुलर के लिए है वही मांगी गई है इक्कीस से पचास साल एज लिमिट देन अदर वैकेंसीज़ हेल्थ वेलनेस टीचर कॉन्ट्रैक्चुअल एक वैकेंसी आप यहाँ पे क्वालिफिकेशन मैंडेटरी और डिजायरेबल देख सकते हैं देन पीआरटी म्यूज़िक रेगुलर की एक वैकेंसी हेल्पर गार्डनर की एक वैकेंसी हेल्पर एमटीएस की दो वैकेंसीज़ यहाँ पर हैं देन आपको अब अप्लाई कैसे करना है वो देख लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म आपके अवेलेबल हैं एयर फोर स्कूल गांधीनगर की वेबसाइट पे तो ये वैकेंसी गांधीनगर की तरफ से है एयर फोर स्कूल गांधीनगर एंड जो भी अप्लाई करना चाहते हैं रेगुलर पोस्ट की है आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं देन अप्लाई इन प्रेस्क्राइब फॉर्मेट विद सी वी एंड सेल्फ़ अटेस्टेड कॉपीज़ तो साथ में जितने भी आपके टेस्टिमोनियल्स हैं डॉक्यूमेंट्स हैं तो उनको सेल्फ अटेस्ट करके अपने सी वी के साथ आपको अप्लाई करना है एंड एप्लीकेशन फॉर्म आपको डब्ल्यू 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 डॉट ए एफ एस सी एच डबल ओ एल जी एन आर डॉट कॉम जो यहाँ पे दी हुई है ये यह वेबसाइट यहाँ से मिल जाएगा तो वो भी साथ में आपको फिल करना है एंड एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो भी आपको बताना है एंड द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एयरफोर्स स्कूल गांधीनगर एयरफोर्स स्टेशन नियर पुलिस स्टेशन सेक्टर नाइन गांधीनगर गुजरात तो इसके फेवर में आपको एनअलअपे ये एड्रेस डालना है एंड जिस पोस्ट के लिए आप एप्लीकेशन कर रहे हैं और बाय पोस्ट आपको ये भेज देना है तो आप इंडिया में कहीं से भी घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं आगे के प्रोसीजर के लिए आपको फिर इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि कैसे क्या होगा अब प्रोसीजर क्या होता है इनका सिलेक्शन का देखिए वन टू फाइव सीरियल नंबर हमारा एन टी टी पी आर टी के लिए डिस्कस करेंगे सो so, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है ऑल द एप्लीकेशन रिसीव बाय द ड्यू डेट सेकेंड फेबररी टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी वन तो दो फरवरी से पहले आपकी एप्लीकेशन पहुँच जानी चाहिए एंड उसके बाद अगर, अगर आप शॉर्ट लिस्ट होते हैं तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा एंड आपका एक रिटर्न टेस्ट होगा फिफ्टी मार्क्स का एंड फिफ्टी मार्क्स मतलब ट्वेंटी फाइव ऑब्जेक्टिव प्लस ट्वेंटी फ़ाइव एंड उसमें होंगे दोज एप्लीकेंट हुट द ले डाउन अकैडमिक प्रोफेशनल्स एंड एज क्राइटेरिया विल कॉल्ड फॉर द रिटेन टेस्ट ऑफ फिफ्टी मार्क्स तो ट्वेंटी ऑब्जेक्टिव ट्वेंटी सब्जेक्टिव यहाँ पे लिखा है सॉरी ऑब्जेक्टिव uh, ही नहीं है तो ट्वेंटी फाइव मार्क्स का आपका एम सी क्यू बेस रहेगा ट्वेंटी फाइव आपका सब्जेक्टिव जिसमें आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड बेसिकली वो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होते हैं लाइक डिस्क्राइब योर सेल्फ या स्कूल के बारे में अगर स्कूल में ये प्रॉब्लम आती है तो आप कैसे टैकल करेंगी ये बताइए कुछ इस टाइप के जितना मैंने एनालाइज uh, किया है यहाँ के रिटर्न टेस्ट को तो इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं

देन सेलेक्शन प्रोसीजर फॉर सिक्स एंड सेवन पोस्ट यहाँ से देख सकते हैं मेनली जिन वैकेंसीज़ के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे पी आर टी रेगुलर पी आर टी एंड एन टी टी उनकी डिजायरेबल क्वालिफिकेशन मैंडेटरी क्वालिफिकेशन सैलरी प्लस एज लिमिट मैंने आपको बता दी है सो एप्लीकेशन फॉर्म्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएंगे सो so मेक श्योर sure टेलीग्राम चैनल को आप कर ले सब्सक्राइब जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल विच इज बींग बेस्ट टीचर थैंक यू